दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा 110 वाट वाला जो हमारा वॉल फैन होता है 230 फुट में चलने वाला है, 400 में ब्लेड वाला फैन है। तो इस फैन को किस तरीके से फिटिंग करना है, कैपेसिटर आपको कैसे कनेक्शन करना है, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाला है। जैसे कि देख रहे हैं, सबसे पहले इसका जो बॉडी होता है, बॉडी के साथ आपका पीछे वाला जाली जो है उसको आपको प्रॉपर तरीके से फिटिंग करके स्क्रू ड्राइवर के मदद से टाइट कर देने पड़ेगा। उसके बाद आपको ब्लेड फिटिंग करने का, तो ब्लेड फिटिंग करने के लिए दोस्तों जो हमारा मोटर होता है उसमें जो हमारा सैप निकलता है, सैप का स्लॉट में बैठा के आपको स्क्रू को प्रॉपर तरीके से टाइट कर देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, कैपेसिटर कनेक्शन करना है। ये जो फैन है दोस्तों, ये हमारा 3 वायर कैपेसिटर कनेक्शन करने वाला फैन है। तो मोटर का अंदर से हमारा 3 वायर निकल रहा है, जैसे कि दिख रहा है इसमें हमारा रेड वायर, येलो वायर और हमारा ब्लू वायर। तो येलो कलर का जो वायर है और जो हमारा ब्लू वायर है उसका साथ हम कैपेसिटर कनेक्शन कर दिए, तो रेड फेज में हम एक सप्लाई देगा। उसके बाद जो हमारा येलो कलर जो वायर है उसमें हम एक सप्लाई देगा, तो कैपेसिटर का एक पॉइंट में आपको सप्लाई देना है और एक पॉइंट को आपको टेप का मदद से रख देना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इसमें हम जैसे सप्लाई देगा, हमारा फैन जो है दोस्तों वो हमारा प्रॉपर तरीके से वर्किंग कर रहा है, जैसे कि आप लोग अभी देख पा रहे हैं।